एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर कोफ्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आधा किलो पालक लेना होगा और 150 ग्राम पनीर, और इसे बटर या रिफाइन ऑयल में बनाएं। जीरा डालने के बाद मैं पहले से पालक को बॉईल करके, सेम जैसे पालक लाएं उसको अच्छे से साफ़ कर लें, और एक प्रेशर आने तक या तो कुकर में चढ़ा दें, या वैसे भी बहुत जल्दी उबल जाता है तो उबाल लें, और उबाल के जब ठंडा हो जाए तो उसे इस तरह से मिक्सी में पीस लें। बिना पानी के भी आसानी से पीस जाता है ये। जैसे पालक दाल ये सब बनाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही पालक को पीस लेना है। उसके बाद इसे अच्छे से भूनेंगे तेल में। अब इसमें डालेंगे प्याज लहसुन अदरक मिर्ची। प्याज लहसुन अदरक मिर्ची या तो आप बीच में डालें या पहले भी डाल सकते हैं जीरा डालने के बाद। मैं अभी डाल रही हूँ, और फिर इसे भी भूनेंगे। पालक डालने के तुरंत बाद में डाली हूँ, जैसे पालक पेस्ट डाली उसके बाद ही डाली हूँ, आप पहले भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी घर का बना हुआ मावा। ये फ्रिज में डाला हुआ था इसीलिए थोड़ा सा हार्ड है, धीरे धीरे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ये ज़रूर डालें, बहुत टेस्टी लगेगा। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच घी। घी या बटर ज़रूर डालें। एक बड़े चम्मच घी डालें या 1 बड़े चम्मच बटर डालें। अब इसे अच्छे से चलाएंगे। जब हल्का हल्का तेल छोड़ने लगेगा तो बस इसमें रखेंगे। फिर इसे 5 मिनट के लिए थोड़ा सा उबाल आने देंगे, और जो बॉल बना के रखे थे वो लास्ट में डालेंगे, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है क्योंकि वो बहुत जल्दी, मतलब बस डालें और बंद कर दें। हल्का पानी और डाल दिए हैं क्योंकि ये अभी गाढ़ा था। जैसा कि मैं बताई हूँ कि बॉल बनाने की रेसिपी सेम है जैसे मैं पहले बनाई थी पनीर कोफ्ता, तो मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लें कि कैसे मैं बनाई हूँ। बस सेम वैसा बना के आप बना सकते हैं इसे भी। अब सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे दालचीनी पाउडर, यहाँ पे आप गर्म मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा पालक पनीर कोफ्ता बिल्कुल तैयार है, आप ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you. Bye.